준비. सिद्धपीठ सद्गुरुदेव निहत किशोर पुरी जी महाराज ने मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी सेवा शिविर में 1000 स्कूली बालिकाओं को बालाजी की प्रतिमा निर्मित लॉकेट, कार्डिगन, गणवेश छाता, तिल के मोदक प्रसादी अपने हाथों से देकर शिक्षा के प्रति जागरूक किया। महंत जी महाराज ने बालिकाओं को देवी मानकर चरण स्पर्श किए एवं आशीर्वाद लिया तथा 600 ब्राह्मणों को ब्लैंकेट, वस्त्र व प्रसादी का वितरण किया। कार्यक्रम में बालिकाओं व ब्राह्मणों की लंबी कतारें लगी रही। सभी को कार्यक्रम हॉल में पहले पंगत लगाकर प्रसादी ग्रहण कराई। इस दौरान महंत निवास में श्री राम नाम संकीर्तन से गुंजायमान रहा। अनहित किशोर पुरी महाराज ने मकर संक्रांति को पुण्य का विशेष अवसर बताते हुए श्रद्धा अनुसार दान करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि दान पुण्य परोपकार से मनुष्य के लोक परलोक सुधरते हैं। महंत जी महाराज ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना बालाजी मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य है। बालिकाओं के शिक्षित होने से देश के विकास को गति मिलती है। उन्होंने जनवरी सेवा शिविर में आई बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी। प्रेस वार्ता में महंत जी महाराज ने पत्रकारों से कहा कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति केवल राम नाम से ही संभव है। व्यक्ति को बिना छल कपट का भाव लिए ईश्वर की साधना, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलकर कठिन से कठिन कार्य पूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते रहने पर कहा कि सत्कर्म मानव जीवन के लिए सही दिशा, सही मार्ग प्रशस्त करता है। सत्कर्म से बुद्धि में निर्मलता आती है, विवेक जागृत होता है, मन प्रफुल्लित होता है, आत्मा आनंदित होती है। Thank you.